सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो देखिए, हम लोग देख रहे थे सीजीआरआई के क्वेश्चन और आंसर। तो पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देखे हैं और उसके आंसर देखे हैं, साथ ही मैथ से संबंधित क्वेश्चन आंसर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीआरआई के एग्जाम 2018 में, उसके क्वेश्चन और आंसर को। तो देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था और उसका आंसर व्यापम के द्वारा क्या लिया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले मैंने बगीचा देखा, फिर यहाँ पर कॉमा है, फिर मैंने एक टीले पर चढ़ गया, फिर यहाँ कॉमा है, और वहां से उतरकर फिर कॉमा सीधे इधर चला आया, फिर इन्वर्टेड कॉमा। तो देखिए, इस वाक्य में किस वाक्यांश के पश्चात विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। तो जो विराम चिन्ह है यहाँ पर तीन ठो, वो कहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है वो क्वेश्चन में पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, और वहां से उतरकर। तो देखिए, ये जो है और वहां से उतरकर, यहाँ पर जो है विराम चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 हम यहीं से देख लेते हैं क्योंकि यहीं पे दिया गया है। ह म व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम है। तो देखिए, ये जो है इसका सही क्रम जो है कंठ है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है और मूर्धन्य। ये जो है ह जो है कंठ से निकल रहा है आवाज, म का आवाज जो है ओष्ठ के माध्यम से निकल रहा है। जैसे आप म बोलेंगे तो आपके दोनों ओंठ जो है टच होते हैं, व बोलोगे तो दांत के सहारे से आपको बोलना पड़ता है, और र जब आप बोलते हैं तो मूर्धन्य पर जीप टच होता है। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, देखिए राजज्ञा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहां पर राजज्ञा का शब्द का संधि विच्छेद क्या हुआ, राजन प्लस आज्ञा, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर अवधारण बोधक क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, इसमें आपको समझना है अवधारण बोधक क्रिया। तो यहाँ पर मेरे पैर के नीचे कोई कुचल गया, ये क्या है, अवधारण बोधक क्रिया है। वह उठ बैठा, ये भी है। यदि शत्रु लड़ाई करने को उद्यत होगा तो भी पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर लिया गया है, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नांकित में उपसर्ग शब्द नहीं है। ये जो दिया गया है उसमें उपसर्ग शब्द नहीं है। तो देखिए यहाँ पर निरोग में उपसर्ग है, नी का उपसर्ग है, अवगुण में भी अ का उपसर्ग है, कम अक्ल में कम जो है वो उपसर्ग है, लेकिन भुजक्कड़ में जो है वो कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, कि भुजक्कड़ शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नांकित में लोकोक्ति नहीं है। तो यहाँ पर आंसर लिया गया है व्यापम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, उल्टे छुरे से मुड़ना, जिसका मतलब होता है कि आप किसी को मूर्ख बनाकर उसका फायदा उठाते हैं, तो उसे कहा जाता है उल्टे छुरे से मुड़ना, जो कि आंसर लिया गया है कि लोकोक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सोलठा छंद में मात्राओं का सही क्रम कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विषम चरणों में 11-11 तथा सम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। मनमाना शब्द किस समास का उदाहरण है। तो मनमाना शब्द जो है वो करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखिए, अगर आपने समास पढ़ा होगा तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या है। अगर समास नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़े। क्वेश्चन नंबर 28। सम्यक शुद्धि ऋण आदि का चुकाया जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर लिया गया है, इसमें जो है इसका सही आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नांकित शब्दों में से देशज शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो देशज शब्द है वो है तेंदुआ, ऑप्शन नंबर बी, तेंदुआ यहाँ पर आंसर होगा। तो देखिए, 10 ही क्वेश्चन पूछा जाता है आपके आरआई के एग्जाम में हिंदी से। व्यापम का जो कॉमन सिलेबस होता है उसी सिलेबस पे आपका एग्जाम होता है, आरआई का एग्जाम।
और इसमें हिंदी के 10 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जबकि कंप्यूटर के यहाँ पर 20 क्वेश्चन हमने देखे थे। आगे हम लोग देखेंगे इंग्लिश का क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो था इसमें हमने सिर्फ हिंदी का बताया, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।